मामले में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या कर दी गई और ये भी वैसे ही की गई है जैसे पिछले कुछ दिनों में मुंबई के अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों की हत्याएं हुई। लेकिन अजीब बात यह है कि इन सभी हत्याओं का आपस में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, फिर भी बेवजह लोग मौत का शिकार बनते जा रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर फ्रांसिस डिसूजा का कहना है कि मरने वालों के बीच आपस में कोई कनेक्शन नहीं। उनका मानना है कि ये किसी साइको किलर या सीरियल किलर का काम हो सकता है जो बेवजह सिर्फ मजे के लिए लोगों की हत्याएं कर रहा है। इस घटना के पीछे जो भी व्यक्ति है उसे पकड़ने के लिए प्रशासन पुलिस पर दबाव बना रहा है। इन लगातार हो रहे मर्डर्स की वजह से शहर के लोगों में दहशत का माहौल है। अब देखना यह है कि इन हत्याओं के पीछे कौन सी शक्ति है और किसका हाथ है।
चलो गबरी बेटा। दीदी 5 रुपए तो देना। नहीं देना है तो ले। इंस्पेक्टर फ्रांसिस ने हमको बताया है कि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है ये पता करने की इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ है। अब तुझे क्या हुआ? गौरी जरा हंस के खा। सोचो मत, पढ़ो। अब उसे क्यों डांट रही हो? उसको नहीं डांटो तो किसको डांटो? अपने आप को डांटो। परीक्षा तो उसको देनी है ना। बच्चों के सामने मुझे विलन मत बनाया करो। अरे जो है वही तो बनाएंगे ना।
अच्छा है। क्या बात है? एग्जाम का टेंशन शायद उसी वजह से होगा।
चेक कर लिया मैंने आपकी बेटी को, तो ठीक है। तो फिर ठीक है, ठीक नहीं है? पढ़ाई में कैसी है? ठीक है पढ़ाई में। कैसी है? ठीक है। अभी एग्जाम है तो टेंशन में हो सकता है, नाटक कर रही है। हाँ, पढ़ाई से बचने के लिए नाटक कर रही है। नहीं, मैं अपनी बेटी को जानता हूँ। मेरी बेटी नाटक नहीं कर रही हो, ऐसी नहीं है। आजकल के बच्चों को उनके पेरेंट्स नहीं जानते। प्रिया जी, मल्टी विटामिन्स लिख रहा हूँ जी। ओके, इनको बताओ। डोंट वरी, डोंट वरी, शी विल बी फाइन। सच में कुछ हो रहा है? यह एग्जाम की टेंशन है, नाटक कर रही हूं। गौरी बोल ना। Thank you.
मैं तो सो रहा था, ये चिल्लाने लगी। क्यों हंस रही हो? तुम्हें क्या लगता है? क्या पता, तुम्हारा आजकल कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या, और मुझे अच्छा लग रहा है। कभी कभी तो लगता है जैसे मैं ही नहीं, कोई और है। एक बात बोलूं, उस दिन हम पार्क गए थे ना, तो पार्क में मुझे भी यही लगा कि तुम नहीं थी, कोई और ही था। कोई और? मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर कोई भूत आ गया है। क्या क्या मैंने पापा
नींद में चलना, बुरे सपने, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब तो बात यहाँ तक आ पहुंची है कि वो चिल्लाने लगती, काटने लगती है, बदतमीजी से बात करती है, घूर के देखती है। मुझे तो डर लगता है ये कहीं भूत भूत का तो मामला नहीं। सुनो, तुम उसे किसी तांत्रिक के पास लेके जाओ, पूरी बंदर के एरिया में एक है। हाँ, मेरी सलाह मानो, तुम उसे तांत्रिक के पास फौरन लेके जाओ। रोज रात में तू तेरा हाथ में लेके गौरी को सोचते हुए मारता रहता। गौरी, क्या बोल रही तू? मैं नहीं जानती गौरी। जब तू मारता रहता है ना, तेरे रूम में कोने में बैठ के मैं तुझे देख रही होती हूँ। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा ना? बाबा से मिलना है, बात हुई है। आजा, आजा, आजा। आ। आजा, आजा, कौन बात है बेटा? बैठ, 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 कौन है तू? कौन है तू? क्या कर रही है? जानता हूँ तुझे। कौन है तू? कौन है तू? मैं जानता हूँ तू उसके अंदर है। कौन है तू? यो आया तू अंदर इसके? बोल 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 बोल। देख तू नहीं बोलेगा तो बहुत बुरा करूंगा मैं तेरा। सुन बोल बोल बोल। कौन है तू? बोल 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 बोल। कौन दिख रहा है? बोल कौन है तू?
क्यों आया? हमें नहीं पता था बेटा, कम से कम हमने हम पाप हमारे क्या जाते हैं, हमारी बेटी नहीं, बेटी ठीक होगी, ठीक होगी बेटी, समझ में नहीं आ रहा हम दिखे पड़े नहीं बेटी भगवान से, भगवान से उनसे कहें हमारी बेटी को परेशान मत करो, प्यारी बेटी है हमारी, thank you.
तू रोड पे तो भाग गया, तुझे क्या लगा तू गांव जाकर बच जाएगा? Thank you.
मेरी बेटी के साथ कुछ हो गया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा सर, आप किसी को जानते हो जो मेरी बेटी की मदद कर सकता है?
साइको किलर का हाथ हो सकता है। ये दोनों मर्डर के साथ सिर्फ पिछले दो हफ्ते में 6 और मर्डर्स हुए हैं। इंस्पेक्टर फ्रांसिस ने कहा कि यकीन से नहीं कह सकते कि उनके पीछे भी वही साइको किलर का हाथ। मैंने ही इन दोनों को एक दूसरे से मरवाया और बस इन्हीं दोनों को नहीं, पिछले दो हफ्तों में 6 लोगों को मरवाया। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी? सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, दो प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिजमा के कारण बनेगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़े। सहायता के लिए 1800-112-356 पर कॉल करें या मिस कॉल 0112-209-0170-1 पर। सीरियल मर्डर इन्वेस्टिगेशन का एक लीडर ऑफिसर। लेकिन फ्रांसिस, तुम्हारे बारे में जो दूसरे नहीं जानते ना, वो मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। कहने के लिए तो तुम बहुत बड़े तोप हो ना, बाहर वालों के लिए एक टॉप ईमानदार ऑफिसर, और घर में खुद ही की बीवी के साथ धोखा। बाहर वालों के लिए एक निडर पुलिस वाला, और यहाँ जिस लड़की के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है उसी का नाम लेने से डरते हो। सुन रही बात, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है मैं, समझे? 53 क्रिमिनल्स को अपने हाथों से मारा है मैंने। तेरे को मरने में ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्क नहीं पड़ता है तो बता क्यों नहीं देते मुझे उसका नाम? इतना परेशान करती है ना, मेरे सामने ना क्रिमिनल्स अच्छे लगते हैं, और अगर एक भी शब्द बोला ना फूक दूंगा, झूठी बोला है। कह रहे हैं कि आजकल जो बम्बई में मर्डर हो रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है उसके पास। सर, क्या नाम? राम। बैठ। क्या जानता है? जो मर्डर्स हुए उसके पीछे कौन है? आसिफ,
से ऐसे पागलों को मेरे सामने लाया ना, थप्पड़ मारूंगा तेरे को। देखे देखो, मैं पागल नहीं सर। सर मैं आज बोला, मैं कह रहा हूँ एक मिनट, मैं जो बोल रहा हूँ उसको तेरा लग रहा है कि मैं पागल हूँ। मैं पागल नहीं हूँ सर। जो मर्डर हुआ था सर, वो मर्डर कैसे हुआ था मैं बताता हूँ आपको। बांद्रा में जो मर्डर हुआ था उसकी आग निकालते उसी की मुट्ठी में थी। सारा जो ठिकाने में मीडिया को नहीं दिया, इसको कैसे पता? बैठ बैठ बैठ। क्या नाम बोला तू? राह गौरी। तेरा घर किधर है? तेरा ही इंतजार कर रहा था। याद है वो बरसात की रात, जहाँ तू था, मैं था और कोई नहीं था। मेरा नाम क्या है बताओ 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 बाबू बाबू। Cool.
have primary control of the psycho killer. तू क्या कह रही है गौरी? अरे गौरी नहीं रे लक्कू, समझती नहीं है, कोई बताए ना तेरे को बाबू साइको के राम तेरे को मालूम है आत्माओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हमारे पास शरीर नहीं होता, हवा में भटकती रहती है। और मैंने ये शैतान को बोला मैंने, मुझे शरीर चाहिए, शरीर। तो शैतान ने कहा, अगर तेरे को आदमी का काम लाने से तड़प है, जा, ढूंढ ले वो शरीर। बहुत
प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है। मुंबई पुलिस के लिए ये बहुत गर्व की बात है, इसलिए हमें हर वक्त सतर्क रहना। क्या क्या बात है फ्रांसिस? सर, मुझे आपसे बात करनी है सर। अभी फ्रांसिस, तुम्हें दिखता नहीं है कि मीटिंग चल रही है यहाँ पर? सर बहुत अर्जेंट है। गो आउट। सर बहुत अर्जेंट है सर, मुझे आपसे भी बात करनी है, अकेले में सर। आप लोग सब लोग जाओ यहाँ से अभी। फ्रांसिस ये क्या बकवास है? जाओ यहाँ से अभी। फ्रांसिस sir, please. I'm sorry. Please excuse us. Please. Sir. क्या बात है? क्या है ये अर्जेंट बात? सर, सर ये जो शहर में मुर्दे हो रहे हैं सर, वो सारे मुर्दे हैं। Come on, Francis, speak. सर. फ्रांसिस ये क्या है? फ्रांसिस मेरी बात सुनो, बताओ कि क्या, बताओ क्या बात है? सर ये जो मर्डर्स हो रहे हैं शहर में, क्या तुम्हें कुछ मालूम पड़ा किसने किया? विश्वास नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा सर क्या हो रहा है। सर मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, आप यकीन मानिए मैं सच कह रहा हूँ सर। सर इस लड़की के अंदर बहुत है सर। उस लड़की ने मुझसे उस साइको की आवाज में बात की है, उस किलर की आवाज पहचानता हूँ सर। हाँ। देखो फ्रांसिस, मैं जानता हूं कि पिछले 5-6 दिनों से सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पे बहुत प्रेशर हो रहा है। पानी पियो, बुरा मत मानना,
इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें मदद की जरूरत है। लेकिन अभी 8-10 दिन के लिए छुट्टी ले, ऐसी जगह जाओ जहाँ सुकून हो, तुम्हारे दिमाग को आराम मिले, और खर्चे की फिक्र मत करना, मैं डिपार्टमेंट से क्लियर करवा दूँ। एक्सक्यूज मी फ्रांसिस, द ग्लास प्लीज, थैंक यू। मैं एक अच्छे साइकाट्रिस्ट को भी जानता हूँ। I'm sorry to barge in like this, but जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, it's very urgent and very disturbing. ऐसा है कि मेरा एक जूनियर ऑफिसर फ्रांसिस, बहुत ही अच्छा ऑफिसर है, he's got a very good track record. कल उसने आके ऐसी बात की मुझसे कि मुझे उसके
मानसिक स्थिति पे उसका मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। देवू जी, 2 साल पहले इसी ऑफिसर ने एक किलर को मारा था। अब एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में वो एक लड़की से मिलने गया था। ये ऑफिसर का कहना है कि वो किलर जिसको उसने 2 साल पहले मारा था, उस किलर का भूत उस लड़की के अंदर है। क्या बात है? क्या? It's impossible. ये हो ही नहीं सकता। देवो, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, जिस ऑफिसर की मैं बात कर रहा था उसकी मृत्यु हो गई। पहले उसने अपनी बीवी को मार डाला और फिर खुद अपने आप पे गोली चला दी। आत्महत्या कैसे हो सकता है देवू? क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये उस ऑफिसर का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस लड़की के अंदर का भूत है। यस ऑफिसर, यस। सच बोल रहा हूँ, आप मेरी बात का यकीन कीजिए सर। सर लेकिन फ्रांसिस को कैसे मार सकती हो? तुम तो यहाँ हो। मेरे बहुत दोस्त हो गए उस तरह। Okay.
बहुत सब लोगों को प्रॉब्लम खत्म करके एक होना सिखा देती है। Yeah.
मार के तो निकाल नहीं सकते। उस जगह को तकलीफ देनी पड़ेगी जिसमें वो है, तेरी बेटी के शरीर को। इसको जानलेवा बीमारी हो जाती है तो डॉक्टरों का फर्ज होता है उसे ठीक करने के लिए बीमारी को निकालें, लेकिन जब यह तय हो जाता है कि बीमारी निकाली नहीं सकते तो फिर बीमारी को मानने के लिए मरीज को मानना पड़ेगा। जब कोई टेररिस्ट आतंकवाद फैलाने के लिए किसी को बंदी बना देता है और उसका सहारा लेकर मतलब तबाही फैला रहा हो और उसको रोकना नामुमकिन हो तो बाकी लोगों को बचाने के लिए कभी कभी बंदी की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। राव हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। राव 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 मैं जानता हूँ तू तुम्हारी बेटी को मानने के लिए कह रहे हैं। हम बाहर वाले हैं, हमारे लिए सब बातें करना बहुत आसान है। मैं जानता हूँ तुम पे क्या गुजर रही है, ये तुम्हें पता है। मैं कमिश्नर वो तांत्रिक, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। समझने की कोशिश करो, जब हम तांत्रिक के पास गए मुझे मैसेज आया था कि 4 और लोगों का खून हो गया। मीडिया और पब्लिक चिल्ला रही कि पुलिस क्या कर रही है, इस खूनी को पकड़ क्यों नहीं रही है। अब मैं क्या बोलूं कमिश्नर की हैसियत से कि ये खून एक लड़की के अंदर भूत कर रहा है। सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूं। राव राव कोशिश करो, हमारे पास कोई चॉइस नहीं। राव राव तुम भी जानते हो कि तुम्हारी बेटी का कोई भविष्य नहीं है। क्या होगा आगे उसके साथ, खून के खून हम सब हार गए ना, पुलिस तांत्रिक, हम और क्या कर सकते हैं। तुम ही बताओ क्या चॉइस है हमारे पास।
पता है मैं अंदर रहूंगा। मुद्दे पे आ, हम लोग और कुछ नहीं करेंगे, हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, बस इतना ही।
अब क्या डर रहा है? आराम से जिए। मुझे पता है आज मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ उसे पढ़ने के बाद तुम्हें बहुत शौक मिलेगा, क्योंकि तुम मेरी सिर्फ बेटी ही नहीं, तुम खुद एक साइकियाट्रिक हो। मेरे 40 साल के करियर में मैंने हमेशा सुपर नेचुरल सुपरस्टिशंस के खिलाफ हर चीज को लॉजिक और रैशनल थिंकिंग से ठुकराता आया हूं, लेकिन एक ही एक्सपीरियंस ने मेरे पूरे बिलीफ सिस्टम को हिला दिया है। देवू, नहीं, नहीं, नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब तक मेरी पूरी जिंदगी में जैसे भी था, मैं अपने आप को छोड़ नहीं पा रहा हूं। उस तांत्रिक ने कहा अंधेरों को पढ़ना जरूरी है, लेकिन कोई कैसे रोशनी और अंधेरे को अलग करके स्टडी कर सकता है? कैसे कितनी भी रोशनी हो, कैसे एक अनंत अंधेरे को पढ़ने के लिए काफी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में रोशनी का सहारा लिया है। रोशनी मेरी ताकत थी, लेकिन अब मैं अंधेरे से डर रहा हूं, और शायद मेरे मरने तक डरता ही रहूंगा।